राजधानी में ऑनलाइन हॉस्टल सर्चिंग के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल जयपुर साइबर थाने में छत्तीसगढ़ निवासी फौजी हनोज मालिक ने मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी संजय आर्य ने बताया कि पीड़ित ने अपनी बेटी के लिए जयपुर में ऑनलाइन हॉस्टल सर्च किया, जिसमें एक साइट पर आए नंबरों पर उन्होंने संपर्क किया और अज्ञात युवक से बात करने पर उन्हें एक लिंक मिला, जिस पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने 80,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। लेकिन जब पीड़ित जयपुर आया तो उन्हें न हॉस्टल मिला और न ही वो युवक। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको जयपुर से खबर बता रहे जहां देखो अभी ये जो साइबर ठगी, इसमें एक नया ट्रेंड जो देखने को मिला है, कुछ रिपोर्ट्स अपने थाने में आई हैं, कुछ तो एक मामले अपने दर्ज किए हैं। जयपुर शहर के जो और भी थाने हैं वहां भी कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसमें यह है कि जो ये साइबर ठग है, ये जो वेबसाइट है उससे जो जयपुर के अंदर जो हॉस्टल्स है, बेसिकली जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं उनकी डिटेल लेकर के उन लोगों से ये बात करते हैं और अपने बच्चों को जयपुर में हॉस्टल में रखने के लिए ये उनसे बातचीत करके और कुछ अकाउंट नंबर में पेटीएम के थ्रू ये उनके साथ।